तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजिंग बॉटल DIY। ये काफी इजी एंड सिंपल है। इसे आप अपने घर पे डेकोरेट भी कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अपने हाथों से बने चीजों का बात ही कुछ अलग होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नंदिता और आप देख रहे हैं खुशी DIY एंड क्राफ्ट। तो बताइए आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए फटाफट से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए एक एम्प्टी ग्लास बॉटल। अगर आपके पास ग्लास बॉटल नहीं है तो आप प्लास्टिक बॉटल से भी इसे बना सकते हैं। बॉटल को हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर जेसो का एक बेस कोट अप्लाई करेंगे। जब भी हम बॉटल के ऊपर कोई भी DIY करते हैं तो उसमें हमें जेसो का एक कोट ज़रूर से अप्लाई करना है। जेसो हमारे कलर को अच्छे से होल्ड करता है, जिससे कि ये आसानी से चिप आउट होने नहीं देता है और उसे ये लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और जेसो से एक अच्छा सा टेक्सचर भी क्रिएट होता है। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप होममेड जेसो का भी यूज़ कर सकते हैं। जेसो को अप्लाई करने के बाद हम इसे सूखने के लिए रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे। कलर को हमें कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए देना है। फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डेकोपाज मेथड का। मेरे पास एक शादी का कार्ड रखा था, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ किया है। कार्ड में जो प्रिंट था वो काफ़ी सुंदर था, तो उसे मैंने कट कर लिया है। और ये पेपर थोड़ा मोटा था तो मैंने इसे पीछे से पानी लगाकर मोटा वाला जो लेयर था उसे हटा दिया है। अब मैं इस पेपर को होममेड मॉड पॉज ग्लू से बॉटल के ऊपर स्टिक करूंगी। इसे धीरे धीरे केयरफुली स्टिक करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं अपने चैनल पर DIY, होम डेकोर एंड होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं न्यू आइडियाज शेयर करती हूँ। और मेरा इंस्टा ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते करते मैंने पेपर को अच्छे से स्टिक कर दिया है। पेपर को स्टिक करने के बाद ऊपर से भी हम मॉड पॉज ग्लू का एक कोट अप्लाई करेंगे। फिर हमें बॉटल को सूखने देना है। सूखने के बाद हम पूरे बॉटल में रेड एक्रेलिक कलर से पेंट करेंगे। हमें कलर को दो कोट करना है। फिर हमें कलर को अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर जो भी डिटेलिंग करना है वो करेंगे। तो मैंने कलर को दो कोट करके बॉटल को अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करेंगे। डिटेलिंग के लिए मैंने गोल्डन 3D कोन आउटलाइनर एंड स्मॉल क्राफ्ट मिरर्स का यूज किया है। कहीं कहीं मैंने स्मॉल स्टोन का भी यूज किया है। गोल्डन 3D कोन आउटलाइनर से मैंने प्रिंट के चारों तरफ एक जिगजैग पैटर्न बनाया है। फिर इसी से मैंने प्रिंट के ऊपर भी कुछ डिटेलिंग किया है। Thank you.
फिर मैंने सिलिकॉन ग्लू से जो मैंने बॉर्डर बनाया था उसके बीच बीच में स्टोन को स्टिक किया है। फिर मैंने स्मॉल आई शेप मिरर्स को भी इसके चारों तरफ स्टिक कर दिया है। बॉटल के बाकी पोर्शन में मैं थोड़ी थोड़ी दूरी में स्मॉल राउंड मिरर्स को स्टिक करूंगी और उसके चारों ओर 3D कोन आउटलाइन से डॉट बना दूंगी। बॉटल का जो नेक है वहाँ पर भी मैं कुछ ट्रायंगल शेप मिरर्स और गोल्डन 3D कोन आउटलाइनर्स से डिज़ाइन बनाऊंगी। डिटेलिंग को आप अपने पसंद से आपको जो भी अच्छा लगे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मोल्डेड क्ले से दो हार्ट शेप बना के रखा था, उसी को मैंने पहले व्हाइट कलर किया फिर उसे रेड कलर से पेंट करके उसे सूखने रख दिया है। अब मैं पूरे बॉटल पर लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश अप्लाई करूंगी। वार्निश किसी भी DIY डेकोर प्रोडक्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिए। वार्निश आपकी डेकोर आइटम को वाटरप्रूफ बनाता है, इसे डस्ट से बचाता है और इसे लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है और इसके लुक को भी एनहांस करता है। तो हमारा बॉटल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब इसे हमें कम्प्लीटली सूखने देना है। अब हमारा हार्ट शेप भी सूख गया है। मैंने एक के ऊपर लव और दूसरे में यू को 3D कोन आउटलाइनर से लिख दिया है और बैक में पोल्का डॉट बना दिया है। अब दोनों को मैं पेपर रोप से टाई कर दूंगी। फिर इस रोप को बॉटल के नेक पर लगा दूंगी। तो फाइनली मेरा अमेजिंग बॉटल DIY कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मेरा ये बॉटल DIY कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।